everybody, welcome back to another session of 5 questions in 5 minutes. तो शुरू करते हैं question number 1 के साथ, जिसमें हमें compound given है और हमें इसमें बताना है कि इसमें कितना sigma bonds हैं और कितने pi bonds हैं. तो एक general सी चीज़ आपको बता देते हैं, कोई भी bond, अगर कोई single bond है तो उसका मतलब है कि उसमें एक sigma bond है. Double bond का मतलब होता है कि उसके पास एक sigma और एक पाई बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा प्लस दो पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होगा एंड रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी पाई बॉन्ड्स. ठीक है, तो देखो यार, पहले यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं पाई बॉन्ड्स. सो ट्रिपल बॉन्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो यानी कि हमारे पास बचे कितने पाई बॉन्ड्स हैं मैम? 9 पाई बॉन्ड्स. सो या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा. सिग्मा बॉन्ड्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई. सो या लेट्स कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेक्ट है, और ये 9. So there are 9 sigma bonds and 9 pi bonds. So देखो, हमने सारे bonds को calculate करके answer निकाल लिया. अगले question की तरफ चलते हैं. IUPAC name of this compound is. तो यार ये compound बड़ा easy है, लेकिन इसमें confusion क्या है कि ma'am, सबसे पहला functional group कौन सा है बेटा? Aldehyde है. तो for sure ये al पे end होगा, जो कि सब में हो रहा है हमेशा, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे एल्डिहाइड, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है आप उसको इंक्लूड करोगे और उसको प्रेफरेंस भी दोगे. तो जो आपकी नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 कार्बन एटम्स यानी कि पेंट आना चाहिए. तो ये तो नहीं हो सकता ब्यूट वाला, सो इट्स गोइंग टू बी पेंट. सेकेंड पोजिशन पे है डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 ईन एंड 1 अल. अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. तो भाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़े से छोटा लगाना है. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किंग कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड. एटलीस्ट इतना तो आपको याद होगा. तो देखो यार, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखो तो COOH की प्रायोरिटी सबसे कम गिवन है, तो ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर 2 देखो, इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COOH, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर अमाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, लाइक दैट. सो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Select the response that correctly identifies the number of carbon atoms of each type of hybridization. तो हमें ये compound given है. अच्छा देखो, सबसे पहले compound को notice करो, जितने भी carbon हैं वो सब कहीं ना कहीं double bond से connected हैं. देखो इनमें भी double bond, इनमें भी double bond, और इसके सबके पास double bonds है. सही है, और हम hybridization कैसे निकालते हैं? Sigma bonds plus free lone pair, correct है? In order to identify hybridization, you have to get sigma bonds plus free lone pair. सही है भाई? तो यहाँ पे एक भी कार्बन sp3 hybridized नहीं है. हमें कैसे पता? sp3 hybridization होती है जब ये factor निकल के आता है 4. और कार्बन के साथ 4 कब आ सकता है? जब कार्बन चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो. यहाँ तो ऐसा नहीं है. तो यानी कि फॉर श्योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो 0 होंगे. और देखो, ऐसा ऑप्शन सिर्फ है एक, जो कि है ऑप्शन नंबर 3. तो आपको ऐसे जल्दी पता चलेगा कि हाइब्रिडाइज मतलब करेक्ट आंसर क्या है. ऑन दी अदर हैंड, हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकालना जानते ही हो. अगर इस कार्बन एटम की बात करें तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड में से 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई बच्चे? sp2. लेकिन अगर आप इस कार्बन की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp, बाकी की भी sp2 sp2. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं. सही है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन. अच्छा देखो, बेंजीन में सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकाल लेते हैं. सामने दिख रहे हैं 1, 2, 3, करेक्ट है. हमें रेशियो चाहिए सिग्मा टू पाई, राइट. पाई हमारे पास आ गए 3. सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने से पहले इस कार्बन एटम की अगर बात की जाए, 3 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. चौथा बॉन्ड ऑलरेडी किसका है? हाइड्रोजन का है, राइट. द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. तो हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में छोड़ मत देना, भूल मत जाना. तो चलो बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 हाइड्रोजन, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 सिग्मा बॉन्ड्स. सो इट कम्स आउट टू बी 12:3, विच इज 4:1. द रेशियो कम्स आउट टू बी 4:1, विच इज ऑप्शन नंबर 2. सो हियर वी हैव ऑल द आंसर्स. That is it for today. Thanks for watching. See you in the next session. Bye.